हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम आपको इग्नू बीए का ईएसओ 16 के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जिसकी आपकी डिमांड थी। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें भारत में सामाजिक समस्याएं, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, तो ये इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर हम इसका कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि आपका ब्लॉक वन है और सामाजिक रूपांतरण और समस्याएं। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, आज हम सेकेंड पार्ट में इसको बचे हुए क्वेश्चन के कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम तक मैं काफी कुछ कवर करा दूंगी आपको, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सामाजिक समस्याओं के प्रकार का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के प्रकार क्या होते हैं, उनका विश्लेषण आपको बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। मर्टन ने सामाजिक समस्याओं का वर्गीकरण निम्न दो भागों में किया है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसने, मर्टन ने। ठीक है, पहली क्या है, सामाजिक विघटन, पहला इन्होंने कहा है सामाजिक विघटन, और दूसरा विचलनकारी व्यवहार। ठीक है, दूसरा क्या है, विचलनकारी व्यवहार। दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे पहले तो। ठीक है, सभी सामाजिक समस्याओं में विघटन तथा विचलन के कुछ मुख्य तत्व पाए जाते हैं। सामाजिक विघटन पहला क्या है, सामाजिक विघटन। हेडिंग आप अच्छे से हाईलाइट करके डालेंगे, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हेडिंग को आप अच्छे से डालिएगा। ठीक है, मर्टन के अनुसार सामाजिक विघटन दो स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सामाजिक विघटन जो है दो स्थितियों को दर्शाता है, सामाजिक प्रणाली में अपर्याप्तता और परिस्थिति और भूमिका की निष्प्रभावित कार्य प्रणाली को। ये दो पॉइंट इन्होंने बताए हैं जिन्हें आप ऐसे करके याद रखेंगे। सामाजिक विघटन के निश्चित स्रोत होते हैं। ठीक है, सामाजिक विघटन के स्रोत हैं, जो स्रोत हैं वो कैसे हैं, वो निश्चित हैं। सभी समाजों में मूल्यों और हितों पर कुछ सहमति पाई जाती है। जब कभी भी इस सहमति की मात्रा में संघर्षशील हितों से अव्यवस्था आती है, तब हम उस विशेष समाज में विघटन की प्रवृत्ति पाते हैं। इसी प्रकार इस अव्यवस्था परिस्थिति और भूमिका में भी पाई जाती है। ठीक है, जो अव्यवस्थित परिस्थितियां होती हैं, भूमिकाएं होती हैं, उनमें भी इसी तरह की कुछ परिस्थितियां पाई जाती हैं। जैसे कि इन्होंने पहले पॉइंट में आपको बताया था, प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि पिता, पति, राजनीतिक दल का समस्या। ठीक है, जैसे पिता की समस्या अलग होगी, पति की अलग होती होगी। ठीक है, जो राजनीतिक हैं उनकी अपनी दल की समस्याएं अलग अलग होंगी। व्यवसायी अगर आप हैं तो व्यवसायी की समस्याएं अलग होंगी। अपने व्यवसायिक संगठनों का सदस्य, जो जिनके संगठन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होते हैं, उनकी अलग समस्याएं होती हैं। ठीक है, यदि वह अपनी भूमिकाएं तदनुसार निभाता है, ठीक है, अगर सभी लोग अपनी भूमिकाओं को सही तरह से निभाते हैं, तो सामाजिक जीवन में वह भूमिकाओं की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। तौर तरीके होते हैं तदनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, जो भी उनकी अपनी भूमिकाएं हैं उनके अनुसार वो व्यवहार करते हैं, अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि विभिन्न परिस्थितियों और भूमिकाओं के बीच संघर्ष है और लोगों का एक समूह इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सके, या संघर्ष भूमिकाओं में पुनर्मेल स्थापित कर सके। ठीक है, जो संघर्षरत उसकी भूमिकाएं हैं उसमें अगर वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, तो वह समूह सामाजिक विघटन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है, सामाजिक विघटन प्रभावकारी समस्याओं के कार्यकलापों का असफल होना है।
ठीक है। समाजकारी विघटन क्या है, जो समाजकारी विघटन है वो प्रभावकारी और संस्थाओं के कार्य कलापों का असफल होना है। मतलब कहने की ये है कि जो भी आपकी भूमिकाएं हैं उन्हें आप ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, ठीक है। भूमिकाएं आपको यहाँ पे बहुत सारी बताई गई हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे एक परिवार में पिता की भूमिका अलग होती है, पति की अलग होती है, ठीक है, पुत्र की अलग होती है, इसी तरह से भाई की अलग होती है। उसी तरह से अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसकी भूमिकाएं उसके सदस्यों के अलग अलग होंगी। कोई व्यवसायिक अगर है, व्यवसाय करने वाला, तो उसकी भूमिकाएं अपने व्यापार के लिए अलग होंगी, ठीक है। और अगर कोई व्यवसायिक संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके मालिक की भूमिकाएं अपने एम्प्लॉय के लिए हो जाएंगी, ठीक है। उनके यहाँ जो कार्यरत लोग हैं उनके लिए उनकी भूमिकाएं हो जाएंगी, और बहुत सारी भूमिकाएं उनकी हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबकी भूमिकाएं, जो एक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, कहने का मतलब ये है, और अगर वो उन्हें ठीक तरह से नहीं निभा पाते हैं तो क्या होता है, वो समूह सामाजिक विघटन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। परिवार की अगर हम बात कर लें, पारिवारिक विघटन, विवाह विच्छेद, निर्धनता, सामूहिक हिंसा, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, और सामुदायिक विघटन और नगरीय समस्याओं जैसे गंदी बस्तियां और अमानवीय जीवन दशाओं में प्रकट होती हैं, ठीक है। ये कुछ समस्याएं जो है वो सोशल हैं, कुछ पारिवारिक हैं, इस तरह की। यहाँ भी अगर बैलेंस नहीं होता है तो यहाँ भी उसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है यहाँ पे विचलनकारी व्यवहार, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा गया आपसे, विचलनकारी व्यवहार। विचलनकारी व्यवहार की अवधारणा का प्रयोग समाज शास्त्रियों द्वारा गंभीर अपराधों के साथ ही आचार संहिताओं के उल्लंघन को सम्मिलित करने हेतु किया जाता है। प्रत्येक समाज में साधारण व्यवहार के प्रायः स्वीकृत विचार होते हैं। जब कभी भी कोई इन स्वीकृत प्रतिमानों से अलग हटता है और भिन्न प्रकार से व्यवहार करता है तो इसका यह व्यवहार असामान्य या विचलनकारी व्यवहार माना जाता है, ठीक है। अपराध, बाल अपराध, मानसिक अस्वस्थता, मादक द्रव्य व्यसन, जो मादक द्रव्य होते हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, और मद्यपान विचलनकारी व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं। ये आप उदाहरण याद रखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है, विचलनकारी व्यवहार के क्या क्या एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सामाजिक समस्याएं एवं सामाजिक आंदोलनों के बीच के संबंध का विश्लेषण कीजिए। तो सामाजिक समस्याएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत पुरानी घिसी पिटी संस्थाओं के प्रतिफल हैं, ठीक है। सामाजिक समस्याएं क्या है, इस लाइन को आप ऐसे कैसे याद रखेंगे कि सामाजिक जो समस्याएं हैं वो विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत पुरानी घिसी पिटी संस्थाओं के प्रतिफल हैं। उदाहरण के लिए, आज भी विश्व के बहुत से देशों में एक संस्था के रूप में राजशाही लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के विरुद्ध दमनकारी उपायों के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इन सारी चीजों के लिए वो पुरानी संस्थाएं उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार से भारत में अस्पृश्यता की समस्या जाति प्रथा से जुड़ी हुई है, ठीक है। भारत में भी ये समस्या बनी हुई है। हमारे समाज में तय किए गए विवाह की व्यवस्था ही मूलतः दहेज से होने वाली मौतों का कारण है, ठीक है। हमारे समाज में जो तय किए गए विवाह होते हैं उनमें ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। कैसी समस्याएं, जो दहेज से संबंधित होती हैं या दहेज से होने वाली मृत्यु है, ठीक है। संस्थागत स्थितियों को छोड़कर कभी कभी विकास के कार्यक्रमों से भी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वनों की कटाई का कारण निर्माण कार्यों, रेल मार्ग, फर्नीचर और ईंधन के लिए व्यापक मात्रा में इमारती लकड़ियों की आवश्यकता ही है, ठीक है। औद्योगिकरण
और कारखाना प्रणाली के विस्तार ने ही वायु, जल और पृथ्वी को प्रदूषित किया है। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि औद्योगिक की जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण और कारखाना प्रणाली के विस्तार ने किसकी चीजों को प्रभावित किया है, वायु, जल और पृथ्वी में प्रदूषण को इनसे फैलाने का काम किया है। बड़े बांधों, ऊर्जा परियोजनाओं, राजमार्गों इत्यादि के निर्माण से स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याएं सामाजिक आदर्शों और वास्तविक व्यवहार के मध्य के अंतराल का भी परिणाम है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत सी बातें तथा मूल आधारित राजनीति के लिए नारे समाचार पत्र नेताओं और बुद्धिजीवियों, जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवियों, इन सभी ने सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध सामाजिक आंदोलनों की लिए स्थिति पैदा की है। ठीक है, फिर भी हमारे समाज में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार तथा राजनीति के अपराधीकरण में वृद्धि ही हुई है। ठीक है, समय समय पर बहुत सारे लोगों ने, जैसे भ्रष्टाचार है, ठीक है, या समाज की जो भी गलत गतिविधियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है, आंदोलन किए हैं, ठीक है, और तब भी इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो समाज में अपराध की स्थिति और भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है, इसने अपने आप को, इसकी वृद्धि हुई है, इसने अपने आप को फैलाया ही है। क्रियान्वयन में अवरोध, नेक्स्ट हेडिंग आती है क्रियान्वयन में अवरोध, सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध आंदोलनों का आयोजन करना सरल कार्य नहीं है। ठीक है, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम है, इनके बीच आंदोलन करना भी कोई आसान काम नहीं है। बहुत से ऐसे निहित स्वार्थी समूह होते हैं जो चाहते हैं कि यथास्थिति निरंतर बनी रहे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे समूह जो चाहते हैं जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता है ताकि उन्हें फायदे मिलते रहें। वनों के ठेकेदार पेड़ों को काटे जाने संबंधी रोक का विरोध करेंगे। शराब की दुकान के मालिक मद निषेध का कभी भी पक्ष नहीं लेंगे। ठीक है, जो शराब बेचने वाले हैं वो कभी ये थोड़ी चाहेंगे कि उनकी शराब बंद हो, लोग पीना बंद कर दें, उनकी दुकानें बंद हो जाएं, है ना। एक समय पश्चात आंदोलन सरकार तथा अन्य संस्थाओं को परिस्थितियों को मान्यता देने एवं दावों की वैधानिकता को मनवाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा इस प्रकार की नीतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जब ये समस्याएं सामाजिक समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इनमें जो गवर्नमेंट है उसका दखल होता है, फिर वो अपने हिसाब से नीतियां बनाते हैं जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करें। ठीक है, ऐसी वो नीतियां बना देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार कार्यरत हों। यथा वनों की कटाई के विरुद्ध नियम, जैसे कि गवर्नमेंट वनों की कटाई के विरुद्ध नियम बना देती है। ठीक है, इसी तरह से स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए बहुत से कानून बने हैं। ठीक है, समाज समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, सती प्रथा, उत्तराधिकारी संबंधी आदि नीतियों का बनना ही स्वयं में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इतने सारे कानून समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं अपराध के विरुद्ध, तब भी वो ये सब भी अपने आप में पर्याप्त साबित नहीं होते हैं। ठीक है, इसे क्रियान्वयन करना होता है। ठीक है, समय समय पर इनमें सुधार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आंदोलन के सोपान। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसमें है आपकी आंदोलन के सोपान। किसी समाज में अक्सर पुरानी संस्थात्मक स्थितियों, दोषपूर्व कार्यक्रम तथा आदर्शों और आचरणों में बढ़ते अंतर को या तो अधिकांश शक्तिप्रिय लोगों द्वारा अनुभव नहीं किया जाता है या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, इस लाइन को आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि ये लोग यहाँ पे क्या कहने का प्रयास किया गया है कि जो समाज में अक्सर जो पुरानी
पुरानी जो संस्थात्मक स्थितियां हैं, ठीक है, या फिर दोषपूर्ण जो कार्यक्रम है, ठीक है, जिसमें भ्रष्टाचार आदि मान सकते हैं, और तथा आदर्श और आचरणों में बढ़ती अंतर, या तो वो अधिकांश जो शक्तिशाली लोग हैं जो जिनके बस में है, जो इन्हें रोक सकते हैं, जो कमियों को दूर कर सकते हैं, या तो वो ध्यान ही नहीं देते, उन पर उनका ध्यान जाता नहीं है, ठीक है, या वो ध्यान देते नहीं है, या उनका ध्यान जाता नहीं है। प्रथम सोपान, पहला सोपान क्या है, पहले प्रथम सोपान पर सामाजिक समस्याओं के प्रति कुछ लोगों की या एक छोटे समूह की जागरूकता होती है, ठीक है। पहले सोपान में क्या गया है कि जो सामाजिक संस्थाएं, जो सामाजिक समस्याएं, उनके प्रति कोई छोटा समूह जागरूक होता है। द्वितीय सोपान पर भी अपने दृष्टिकोण को लोगों के बीच प्रचारित करने की चेष्टा करते हैं। तृतीय सोपान, आप सोपान सारे याद कर लीजिएगा। तीसरे सोपान में, तृतीय सोपान में संगठित रूप से असहमति या विरोध तथा प्रदर्शन होता है, और अंत में यह एक आंदोलन का निर्माण की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। आंदोलन कैसे कैसे होता है, प्रथम सोपान में क्या है कि सामाजिक जो समस्याएं होती हैं उन पर कोई छोटा समूह, ठीक है, जागरूक होता है, वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। दूसरे सोपान में वे अपने दृष्टिकोण को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों तक बताने का प्रयास करते हैं जो वो सोच रहे हैं, ठीक है। तीसरे सोपान में वो संगठित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, किसी छोटे मोटे प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, सहमत और असहमत पर प्रदर्शन होते हैं, ठीक है। और आखिरी में क्या होता है, सारी चीजें मिलकर एक बड़े आंदोलन का रूप धारण कर लेती हैं। आजकल संपूर्ण विश्व में और मुख्य रूप से भारत में महिलाओं के हितों तथा अधिकारों की रक्षा हेतु एक शक्तिशाली महिला आंदोलन चल रहा है, ठीक है। भारतीय महिलाओं के संगठन प्रबुद्ध नागरिकों और जन संचार के माध्यमों के साथ दहेज से होने वाली मौतों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है, ठीक है। ये जो दहेज की वजह से मौतें होती हैं उनके विरुद्ध भी संघर्षरत आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सामाजिक समस्याओं के, जो समाज में समस्याएं फैली हुई हैं, कुरीतियां हैं, सामाजिक समस्याओं के सुधारवादी उपायों तथा सामाजिक आंदोलन के बीच एक निकट का संबंध पाया जाता है। सामाजिक आंदोलन तब उत्पन्न होता है जब कुछ लोग ये अनुभव करते हैं कि विशेष परिस्थितियां समाज के लिए लाभप्रद नहीं हैं, ठीक है। जब एक समाज में कुछ लोग भी अगर जागरूक हो जाएंगे किसी काम के लिए, तो एक उसे सुधारने का वो प्रयास करेंगे, तभी वो चीजें धीरे धीरे करके आंदोलन का रूप ले लेंगे, ठीक है। उसे परिस्थिति करने, परिवर्तित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए, ठीक है। जब तक कोई ना कोई विचार नहीं करेगा परिवर्तन का, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। जब कुछ लोग जागरूक होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है और वो आगे बढ़ते हैं, तभी इस तरह के आंदोलन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सामाजिक नीति को परिभाषित कीजिए, ठीक है। सामाजिक नीति को परिभाषित कीजिए। भारत में शिक्षा, महिला, पर्यावरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, नगरीकरण तथा मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित सामाजिक नीति, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो भारत में पहला शिक्षा है, ठीक है, सामाजिक नीतियों पर यहाँ बात हो रही है, तो पहला शिक्षा है, महिलाओं की समस्या है, पर्यावरण, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये सारी समस्याओं से आप पहले से परिचित होंगे, ठीक है। फिर नगरीकरण की समस्या, जो मादक पदार्थ, ठीक है, मादक पदार्थों का जो सेवन होता है बड़े पैमाने की, समस्या हमारे समाज की है, तो ये सारी जो कैसी हैं, सामाजिक समस्याएं बनी हुई हैं। सामाजिक आंदोलन सामाजिक समस्याओं और सामाजिक नीति का आपस में प्रगाढ़ संबंध होता है, ठीक है। सामाजिक जो आंदोलन है, सामाजिक नीतियां हैं, इन सभी का आपस में संबंध होता है, और वास्तव में सुदृढ़ सामाजिक आंदोलन, जन जागरूकता और आधिकारिक नीतियां, इन तीनों को आपस में मिलकर सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, ठीक है। किन किन को मिलकर काम करना चाहिए समाज में बुराइयों के खिलाफ में, सुदृढ़ सामाजिक आंदोलन, जन जागरूकता, अगर लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो किसी समस्या के लिए वो खड़े कैसे हो पाएंगे, ठीक है। तो जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है, और
आधिकारिक नीतियां। ठीक है, इस प्रसंग में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आधुनिक समाज में राज्य एक अत्यधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध संघर्ष में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप की अपनी सीमाएं होती हैं और ये अधिक प्रभावी ढंग से तभी कारगर हो सकते हैं जब राज्य के कार्यक्रमों और स्वीकृत नीतियों को जन समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है नीति, विचारधारा और कल्याण। ठीक है, एक ओर सामाजिक नीतियों और सामाजिक कल्याण तथा दूसरी ओर सामाजिक नीति और सामाजिक विचारधारा के मध्य के संबंध को समझना है। सामाजिक नीतियों और सामाजिक कल्याणकारी नीतियों के मध्य विभिन्नता और स्पष्ट करना कठिन है। ठीक है, जो सामाजिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियों और सामाजिक कल्याणकारी नीतियों के मध्य विभिन्नता को स्पष्ट करना कठिन है होता है, क्योंकि कुछ ऐसे समूह हैं जिन्हें सामाजिक नीतियों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, पर उन लोगों को कल्याण की भी आवश्यकता होती है। संपूर्ण विश्व में राज विचारधाराओं पर ध्यान ना देकर कल्याणकारी नीतियां स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि बाल कल्याण। ठीक है, आपने सुना होगा बाल कल्याण, युवा कल्याण, महिला कल्याण, वृद्ध कल्याण, कमजोर वर्ग का कल्याण, रोजगार संबंधी नीतियां, सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा परिस्थिति। ठीक है, शिक्षा की जो परिस्थितियां हैं तथा ग्रामीण स्तरीय विकास। इन नीतियों ने बहुत सी सामाजिक समस्याओं के जोखिमों को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये आप, ये मैंने पॉइंट आउट किया है, इनको आप याद कर लीजिएगा। सामाजिक समस्याओं से संबंधित नीतियां विचारधारा और आधारित होती है। ठीक है, ये सारी क्या है, विचारधाराओं पर आधारित नीतियां होती हैं। पूंजीवादी दृष्टिकोण यह लोगों की खुला बाजार और मुक्त अर्थव्यवस्था समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। व्यक्ति अपने कल्याण की देखभाल कर सकता है। समाजवादी यह अनुभव करते हैं कि राज्य के हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाया जा सकता है, इसलिए एक सरकार अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर नीतियों को प्रतिपादित करती है। सभी सामाजिक समस्याओं से संबंधित कोई एक व्यापक नीति नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रत्येक समस्या को अलग अलग सुलझाना होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक समस्या को एक ही नीति द्वारा सुलझा ले। सभी समस्याएं अलग होती हैं समाज को, सबको सुलझाने के लिए अलग अलग सुझाव भी होते हैं, अलग अलग प्रयास भी होते हैं, अलग अलग नीतियां होती हैं। अक्सर विशेष समस्याओं से संबंधित कानून पारित किए जाते हैं। जो समाज की भयंकर समस्याएं हैं, जो विशेष समस्याएं हैं, उनके लिए कानून बनते हैं और वो पारित होते हैं। उदाहरण के लिए मादक द्रव्य व्यसन, ठीक है, दहेज, जो दहेज से संबंधित कानून जो बनाए, और दूसरा है मद निषेध कानून है, बाल मजदूर। ठीक है, इन सभी पर कानून बने हुए हैं बाकायदा। ठीक है, यह स्पष्ट होगा कि इसने प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया जाए। ठीक है, इन सभी के लिए व्यवहार अलग अलग होते हैं, कानून अलग अलग हैं, तौर तरीके सभी के अलग अलग हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।